नमस्कार, आप देख रहे क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब कचरे से बनेगा कोयला, भोपाल में लगेगा देश का दूसरा ऐसा प्लांट। देश में भोपाल वाराणसी के बाद दूसरा ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां सूखे कचरे से चोरीफाइड चारकोल बनाया जाएगा। इसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। आपको बता दें, बिजली उत्पादन के लिए कोयले की कमी के मद्देनजर यह भविष्य के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। किसानों के हित में सीएम शिवराज के बड़े फैसले, अधिकारियों को मिले निर्देश। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही सुव्यवस्थित वितरण भी आवश्यक है। प्रदेश में खाद उर्वरक की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद आगामी व्यवस्था बेहतर बनी रहे इस संबंध में केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद एवं उर्वरक आपूर्ति का आग्रह किया गया। बिजली में गोलमाल, बड़ा सवाल, पीक आवर्स में कैसे घटी 1365 मेगावाट की आपूर्ति। कोयला संकट, प्रदेश के बिजली संयंत्रों में क्षमता से आधा उत्पादन, फिर भी बिजली संकट न होने का सरकारी दावा कितना सही है, इसकी हकीकत प्रदेश में बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था बता रही है। इसकी पड़ताल में पता चला कि पीक आवर्स में यानी बिजली की मांग सर्वाधिक होती है, तभी बिजली की आपूर्ति में भारी कमी आई है। शिवराज कैबिनेट के फैसले, ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक के निर्माण व संचालन करने न्यास का गठन होगा। राज्य सरकार ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक का निर्माण करेगी। इसके संचालन के लिए एक न्यास का गठन होगा। यह निर्णय शिवराज सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया। इसके साथ ही इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर के लिए 190 हेक्टेयर सरकारी जमीन देने के उद्योग विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। कोरोना से रहा, डेंगू ने उड़ाए होश। ग्वालियर में डेंगू 583 पर पहुंचा, मरीज बढ़ने से बिगड़ा इलाज का सिस्टम। ग्वालियर में डेंगू पीड़ितों की संख्या 583 पर पहुंच गई है। मंगलवार को संदिग्ध मरीजों के सैंपलों की हुई जांच में 67 को डेंगू होने की पुष्टि हुई है। इसमें से 39 ग्वालियर के हैं और शेष 27 अन्य जिलों के हैं। वायरल फीवर के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इसका असर सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने लगा है। रावण दहन पर हावी कोरोना गाइडलाइन, उज्जैन में 25 फीट का रहेगा रावण, ऑनलाइन देखने की होगी व्यवस्था, आतिशबाजी भी सांकेतिक रहेगी। इस बार उज्जैन में सांकेतिक रूप से रावण दहन किया जाएगा। दशहरा मैदान पर होने वाले रावण दहन में इस बार भी लोगों का आना प्रतिबंधित रहेगा। दशहरा उत्सव समिति इस बार केवल 25 फीट ऊंचा रावण ही बनाएगी, जबकि हर बार 100 फीट अधिक ऊंचा रावण बनाया जाता है। दशहरा उत्सव समिति के सचिव मनीष शर्मा ने बताया कि इस बार भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रतीकात्मक रूप से रावण दहन किया जाएगा। महंगाई की मार, महंगा हुआ प्याज, थोक में 40 रुपए प्रति किलो पहुंचा भाव। प्याज के भाव में फिर तेजी शुरू हो गई है, इससे प्याज लगातार महंगा हो रहा है। मंगलवार को थोक बाजार में प्याज 14 से 40 रुपए प्रति किलो बिका, जबकि एक दिन पहले इसका भाव 10 से 38 रुपए प्रति किलो बताया था। बताया जा रहा है इसका असर फुटकर बाजार पर हो रहा है और फुटकर बाजार में प्याज के भाव 20 से 45 रुपए प्रति किलो बिकना शुरू हो गया है। पीएम आवास में फ्लैट की डिमांड बढ़ी, लगवा रहे माननीय से फोन, अफसर परेशान। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 3,960 आवासों से भी अभी तक 3,000 से अधिक फ्लैटों की बुकिंग हो चुकी है। इनके हितग्राहियों ने प्रथम किश्त भी दे दी है। वहीं सिरोल में बन रही परियोजना में लोगों की काफी रुचि है, क्योंकि जिस स्थान पर ये फ्लैट बन रहे हैं उसके ठीक सामने मुख्य मार्ग है। दीपावली और छठ पूजा पर हबीबगंज से दानापुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। भोपाल में दीपावली व छठ पूजा के मौके पर यूपी बिहार में अपने घर पहुंचने की चाह रखने वाले भोजपुरी समुदाय के लोगों की सहूलियत के लिए रेलवे विभाग एक स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। हबीबगंज से बिहार के दानापुर के लिए नवंबर 2021 से सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन चलेगी। सूत्रों की माने तो यह दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर चलाई जाएगी। उत्तरी हवा से आने लगी ठंडक, सुबह गुलाबी ठंड का एहसास, 16 अक्टूबर को फिर आएगा बदलाव। मध्य प्रदेश में अब हवा का रुख बदलने से मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। उत्तरी हवा अपने साथ हिमालय से ठंडक लाने लगी है, जिससे गुलाबी ठंड की शुरुआत हो गई है। सुबह के समय हल्की ठंडक का एहसास हुआ, सुबह उमस भी रहती थी, उससे भी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अब दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी, जिससे मौसम में बदलाव शुरू हो जाएगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।